बेटी की विदाई। कहानी एक ऐसी बेटी की विदाई की है जिसके मायके से जाने का मकसद कुछ और ही था। क्या है माँ, कितनी सिंपल शादी की है मेरी, मैंने क्या क्या नहीं सोचा था। अरे बेटा, कैसे तेरी शादी धूमधाम से करती, तुझे कहा तो था कि एक साल रुक जा, थोड़ा पैसे का इंतजाम हो जाता तो अच्छे से कर देती शादी। अभी अभी तो तेरे पिता का देहांत हुआ है, दुनिया तो बातें बना रही है कि पिता की मौत को 6 महीने नहीं हुए और बेटी को लव मैरिज करने की पड़ी है। बोलने तो जो बोलते हैं बोले, मैं किसी से नहीं डरती। अरे पर बेटा, बात तो सही है ना, कुछ दिन तो रुक जाती। वाह, क्यों रुक जाती, और मयंक को कोई और लड़की पसंद आ जाती तो क्या करते माँ बोल। अरे पर बेटा, ऐसे डर कर क्यों रहना, अगर वो तेरे लिए एक साल नहीं रुक सकता था तो शादी करके तो तूने बहुत बड़ी गलती की है। उफो, अब बस माँ लेक्चर काम दो ना। पापा की तबीयत काफी वक्त से खराब थी, सभी जानते थे कि उन्हें जाना है, फिर मयंक और मेरी शादी की उम्र भी तो हो रही थी। माँ क्या बोलती, बेटी से बहस करके अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी। मेघा के पिता का 6 महीने पहले ही देहांत हो गया था। पिता से बहुत ज्यादा प्यार करने वाले मेघा के भाई को कुछ होश ही नहीं रहता। बेटा आकाश, कब तक ऐसे पापा को याद करता रहेगा, जिंदगी में आगे बढ़ना है बेटा। हाँ हाँ, जैसे तुम और मेघा पढ़ गए। आप लोगों को तो जरा भी शर्म नहीं आई, पापा को गए अभी एक साल भी नहीं हुआ, आप लोगों ने घर पर मंडप सजा दिया। माँ को पता था कि आकाश इस बात को 10 बार बोलता है, वो उसे समझाती भी तो क्या। बेटा, मेघा को लड़का पसंद था, फिर पापा भी तो मेघा की शादी को लेकर चिंता किया करते थे ना। और देख, मयंक है भी कितना अच्छा लड़का, दहेज में एक पैसा नहीं लिया और शादी भी कितनी सिंपल थी। बेटा आकाश माँ के इस बर्ताव से दुखी हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। वहीं मेघा ससुराल जाती है, जहां मयंक कहता है, देख मेघा, साफ बात है, मेरे घर में माँ तो है नहीं, पापा भी साथ नहीं रहते, मैं भी बिजनेस और काम के चक्कर में तुम्हें ज्यादा समय नहीं दे पाऊंगा, तो देख ले तू क्या करना है। मेघा जो घूमने फिरने की शौकीन थी, वो अब 4 दीवारी में बंद कर रह जाती है। वो सोचती है कि क्या करे, कैसे शादी के पहले जैसी जिंदगी इंजॉय करे। मयंक, मैं माँ के घर जा रही हूँ, तुम 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाना। अरे मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दिन में 4 बार तुझे लेने और छोड़ने आऊँ, समझी। ये क्या हो गया है मयंक, शादी से पहले तो बड़ा प्यार था, अब ऐसी भाषा। मेघा माँ के घर जाती है, जिस मेघा को पिता के घर पर खूब अच्छा खाने पहनने मन चाह घूमने मिलता था, वो मेघा पति के राज में बंद कर रह जाती है। मेघा के मायके में उससे मिलने उसकी मामा की बेटी आती है। हाय मेघा, ये क्या पहना है, कोई डिजाइनर साड़ी नहीं ली। हाँ वो क्या है ना, घर पर ही हूँ तो ये सिंपल सी। ये वही मेघा है जो सोने के लिए भी महंगे महंगे पजामे पहना करती थी। क्या हो गया मेघा, पति के पास पैसे की कमी है क्या। अब क्या था, मेघा को खुद पर गुस्सा आने लगता है, तभी मामी बोल पड़ती है, मेघा वैसे बड़े शहर की लड़की थी तू, क्या जरूरत आन पड़ी ऐसे छोटे से शहर में शादी कर ली, वहाँ ना अच्छा पहनावा है ना अच्छा खान पान। हाँ वो क्या है ना, मयंक का बिजनेस वहीं है तो इसलिए। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन कहीं घूम तो आया कर। अब मेघा क्या कहती कि मयंक के पास पैसे नहीं है, कहाँ तो इतना घूमने फिरने की शौकीन मेघा, अब क्या करें सबके जाने के बाद। माँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मयंक से शादी करके, मैंने तो पापा का जाना भी नहीं देखा, मयंक जो पैसा दिखाया करता था वो पैसा उसके पास है ही नहीं, ऊपर से छोटा शहर, शुरू होते ही खत्म हो जाता है, ना कोई मॉडर्न कपड़ा पहनो ना कहीं घूमने जाओ। माँ मेरी जिंदगी तो किसी बूढ़ी औरत जैसी हो गई है। देख बहन, अब यहाँ तो कुछ है नहीं, पापा के जाने के बाद तुरंत तेरी शादी के कारण सब लोग हमसे नाराज हैं। अरे तो मैं कौन सा कोई बहुत खुश हूँ, मैं भी तो जैसे तैसे लाइफ काट रही हूँ। अरे तो की क्यों शादी, कोई तेरी उम्र भी इतनी नहीं हो रही थी, तब तो लव मैरिज के चक्कर में तूने शादी कर ली, और अब रो रही है कि शहर छोटा है, मयंक के पास वो पैसा नहीं है जो वो दिखाया करता था। क्यों, अब वो तेरा पति है, वो जिस हाल में रखे रह, समझी।
जो बात माँ को समझानी चाहिए थी वो भाई समझा रहा था, लेकिन लालची मेघा को अब मायके में रहना ज्यादा अच्छा लगने लगा। कारण आराम और महंगी शौक। बेटा, बहन का फोन आया था, वो बोल रहा था कि खाना नहीं खा पा रहा है ढंग से, तो मेघा को भेज दे। भगा रही हो, साफ साफ बोल दो कि ससुराल चली जाओ। क्यों, नहीं रखा जा रहा है क्या बेटी को? कैसी बात कर रही है मेघा, तू तो मेरी औलाद है, क्यों नहीं रखूंगी तुझे भला, तेरा ही तो घर है ये। लेकिन वाह, जब मेरा घर है तो रहने देना। वैसे भी कौन सी पापा की नाक रही है कि बेटी शादी के बाद मायके में आ पड़े तो कट जाएगी। तभी भाई आता है। देख मेघा, बहुत हो गया तेरा, जिंदगी कोई खेल नहीं है जो तू जैसी मर्जी वैसे करे। किसी के घर की बहू बनकर गई है तो वहाँ की भी निभानी है ना। बकवास मत करो, घर पापा का है और मेरा भी हक है, मैं कल ही वकील बुलाकर बात करती हूँ। माँ के तो पैरों तले जमीन ही हिल जाती है कि ये क्या बोल रही है। वो बेहोश होने ही वाली होती है कि बेटा उन्हें थाम लेता है। माँ क्या हो गया, प्लीज परेशान ना हो माँ। अरे बेटा, समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की की परवरिश में मैंने कौन सी कमी छोड़ी, ये जैसा कहती गई मैं करती रही। तो मैंने कौन सी गैर कानूनी बात कर दी है, जो है वही तो कहा, क्यों? अरे बेटा, ये तेरे पापा की आखिरी निशानी है, इस घर को उन्होंने बहुत ही जतन से बनवाया था, मैं इस घर के टुकड़े नहीं होने देना चाहती हूँ। नहीं होगा माँ। ठीक है, तू वकील को लेकर आना चाहती है ना, ठीक है लेकर आ, लेकिन एक बात ध्यान रखना, पापा पर लाखों का कर्जा था जो मैं चुका रहा हूँ, उसका आधा कर्जा तू चुकाएगी। तभी वहाँ मयंक आ जाता है। मेघा, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, आए दिन तुम मायके में पड़ी रहती हो, मेरे घर को तुम्हारी जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें तो अपने घर और परिवार से ज्यादा जरूरी बड़ा शहर पसंद है। वैसे तुमको ना ये बात शादी से पहले सोचनी चाहिए थी, लेकिन कोई ना। मेघा को समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया, कहां तो उसने एक ऐश की जिंदगी सोची थी, लेकिन हाय रे, ये क्या हो गया। नहीं नहीं प्लीज, आप लोग ऐसी बात ना करो, मैं कहाँ से पापा का कर्जा भरूंगी। मैं, तुम दूसरी शादी क्यों कर रहे हो, मैं घर चलती हूँ, मुझे माफ कर दो माँ, मेरी विदाई कर दो।